क्या चांद पर मौजूद लकीर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े की निशानी है? अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, देन कीप ऑन वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यू ऑल एंड पीस अपॉन ह्यूमैनिटी। माय नेम इज डॉक्टर मुइज़ मुर्शिद एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। मेरी जानिब से प्यार और मोहब्बत भरा सलाम मेरी तमाम फैमिली, आप जो भी हैं, आप जहाँ भी हैं, आप सब मेरी फैमिली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताता चलूं, इस चैनल पर हम इस्लाम का एक मुस्बित पहलू उजागर करते हैं और जदीद साइंसी तहकीकात को कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, तो कंसीडर सब्सक्राइब। तो चलिए, अब बातें बहुत अच्छी की है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आज की वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा, आज हमने शक्ल कमर के यानी उस मौजे की बात करनी है जिसमें आपका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के दो टुकड़े कर दिए। नासा की एक हिस्ट्री की बुक है जिसका नाम है अपोलो ओवर द मून अ व्यू फ्रॉम ऑर्बिट। इस बुक के पेज नंबर 207 पर चांद पर मौजूद एक लकीर का जिक्र है। ये लकीर 6.4 डिग्री नॉर्थ और 14.0 डिग्री ईस्ट में वाकई है। इस लकीर का नाम रीमा एरियडियस है। ये एक सीधी लकीर नुमा गढ़ा है जो चांद पर मौजूद है। अब बात करते हैं कि लकीर की गढ़े किस तरह वजूद में आते हैं। थ्योरी ये है कि चांद पर एक दरार पड़ी, जियोलॉजिकल टर्म में इस दरार को फॉल्ट कहा जाता है। इस दरार के पड़ने के बाद जब चांद की जमीन दो टुकड़े हो गई तो जमीन के दरमियान में मौजूद जो हिस्सा था चांद की जमीन का वो अंदर धस गया और इस तरह ये रीमा एरियडियस वजूद में आई। इस किस्म के गढ़े आतिशफिशा के फटने से वजूद में आते हैं। मगर इस किताब में एक बात बड़ी दिलचस्प मौजूद है। इस किताब में ये लिखा है कि रीमा एरियडियस का ये गढ़ा जो है ये किसी आतिशफिशा की वजह से वजूद में नहीं आया, यानी कोई आतिशफिशा पहाड़ के फटने की वजह से ये लकीर नुमा गढ़ा वजूद में नहीं आया। फिर सवाल ये है कि अगर ये गढ़ा किसी आतिशफिशा की वजह से वजूद में नहीं आया तो फिर ये किस वजह से वजूद में आया? सही मुस्लिम की किताब 52 की हदीस नंबर 28 में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से मरवी है कि हम आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मीना में मौजूद थे। ये चांद दो टुकड़े हो गया, उसका एक टुकड़ा पहाड़ के पीछे रहा और दूसरा टुकड़ा पहाड़ के बराबर में आ गया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इरशाद फरमाया कि इस पर गवाह हो जाओ। ये दरार चांद पर तब वजूद में आई जब आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चांद के दो टुकड़े कर दिए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मौजा है। क्या 1400 साल बाद भी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौजे की सदाकत नासा की किताबों से जाहिर हो रही है? इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी आगाह से आगाह कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और जाते जाते एक छोटी सी बात आपको याद दिलाते हैं, चलो जिंदगी में कितनी मुश्किल क्यों ना हो, कितने ही मसाइल क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत पे हमेशा भरोसा रखिए। वो आपके साथ है, उस पर तवक्कल करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। सुन्नत भी है और सदका जारिया भी। एंड गेस व्हाट, यू लुक गुड टू। दिस इज मी डॉक्टर मुइज़ मुर्शिद साइनिंग ऑफ। Assalamu alaikum you all and peace upon humanity.